नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप Redmi A2 मोबाइल को रीसेट कर सकते हो या फिर हार्ड रीसेट या फिर फैक्ट्री डाटा रीसेट कर सकते हो, यानी कि अपने फ़ोन को फॉर्मेट कैसे कर सकते हो। तो दोस्तों, इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, सेटिंग में चले जाना है। एंड सेटिंग में जाने के बाद नीचे की तरफ आएंगे स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर देखोगे तो एक ऑप्शन मिल जाएगा सिस्टम का, तो आपको सिस्टम पर क्लिक करना है। जैसे आप सिस्टम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रीसेट ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो आपको रीसेट ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर देख पा रहे हो कि रीसेट वाईफाई मोबाइल ब्लूटूथ, सबसे नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है इरेज ऑल डाटा, तो आपको इरेज ऑल डाटा पे क्लिक करना है। एंड उसके बाद इरेज ऑल डाटा पे फिर से क्लिक कर देना है, फिर से इसी पे क्लिक करना है और अपने पासवर्ड अगर आपने लगाया होगा तो पासवर्ड डालना पड़ेगा। उसके बाद आपका फ़ोन जो है रीसेट होने लग जाएगा और थोड़ी देर के बाद ये फिर से स्टार्ट हो जाएगा आपके नए फ़ोन की तरह। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। देखिए ये प्रोसेस चल रहा है, इसमें कम से कम 2 मिनट लग सकता है, तो आप इसको वेट कर लीजिएगा, उसके बाद आपका फ़ोन जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइस इस तरीके से आप यहाँ पर इस मोबाइल को फैक्ट्री डाटा रीसेट कर सकते हैं।